बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग आज हमने बनाए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से अरबी पत्ते की रिकॉच, वो भी दो तरीके से, एक फ्राई किया हुआ और एक ग्रेवी वाला। तो चलिए अरबी का पत्ता का सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 10 से 12 अरबी का पत्ता लिए हैं, और ये अरबी का पत्ता जो है हमारे बागान में ही होता है। तो इसका सबसे पहले हम अच्छे साफ पानी से धो लेना है, और धोने के बाद इसका जो ये रेसा है, इस रेसा को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका स्टफिंग का तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक बॉल। स्टफिंग का हम शुरुआत करेंगे मच्छी के अंडे से। ये हमने मच्छी के अंडे लिए 100 ग्राम, और इसे मच्छी का अंडा धोने का तरीका भी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। मच्छी का अंडा जो है वो एक जाली के अंदर सेफ रहता है, तो जाली हटाने के बाद अगर हम अंडा धोएंगे तो सारा अंडा बह जाएगा। तो अंडा धोने का तरकीब ये है कि एक चलनी ले, और चलनी में एक कॉटन रखने के बाद उसमें डाल दे, और अच्छी तरह नल के नीचे रख के आप धोए, एक अंडा भी नहीं बहेगा और सारा अंडा बहुत अच्छे से साफ होगा, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत स्टार्च और बहुत गंदा रहता है। तो आप इसी तरह से अंडा धोया करें, एक अंडा भी नहीं बहेगा, ठीक है। तो हमने इसी तरह से धो के इसमें रख दिए निकाल के। तो अब इस अंडे को हम बॉल में डालेंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे आधा कप बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच से भी कम काली मिर्च का पाउडर। इसमें लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। इसमें डालेंगे आधा कप इमली पानी, इमली पानी आप खट्टा के हिसाब से डालें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने सभी को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स किए। यहाँ पे स्टफिंग लगाने के लिए हम लेंगे इस तरह का एक बड़ा बर्तन, जिसके लिए हमने लिया एक तिरे, और उसके ऊपर इस तरह से जो बड़ा पत्ता है उसे भी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेंगे और पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से कोट करेंगे। एक ट्रिप का रोल इसे तैयार करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हम एक सूता लेंगे, सूता से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ये खुलेगा नहीं। तब इसे भी रखते हैं साइड में, इसी तरह से दूसरा भी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए दूसरा को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। और इसमें भी सूता इसी तरह से लपेटेंगे। तो यहाँ पे गैस पर हम रखे हैं गर्म पानी, ये देखिए, और उस पर एक जाली, जाली के ऊपर हमने इसे रख देंगे स्टीम होने के लिए। और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इसे स्टीम किए हुए 8 से 10 मिनट हुआ, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया, गैस कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के लिए स्टीम हो रहा, तब तक हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा,
8 से 10 दाना काली मिर्च का, 8-10 दाना लहसुन की कली, एक टुकड़ा अदरक का, 5 सूखी लाल मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है, अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मच्छी की तरह है। तो इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। तो इस तरह से सभी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। अब चलते हैं फ्राई कर। तो यहाँ पे तेल भी हमारा गर्म है, हम धीरे धीरे एक एक करके डाल देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है कितने अच्छे से फ्राई हो गया। अब एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारा कितना अच्छा फ्राई हुआ है। आप इसे स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं या फिर आप इसे ग्रेवी भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आधा स्टार्टर के लिए रखेंगे और आधा ग्रेवी लगाएंगे। तेल में डालेंगे मेथी का फोड़न, 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसमें डालेंगे पीसे हुए मसाले जो हमने मसाला पीसे थे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। कवर कर देंगे लो फ्लेम में। मसाला को पकते हुए 10 मिनट हुआ, अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया, अब इसे हाई फ्लेम में भून लेंगे। मसाला भी अच्छे से भुना गया, अब इसमें हम डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें। पानी में उबाल आ रहा है, अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए रिकॉर्ड, ड्राई किए धनिया पत्ता, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कवर कर देंगे, इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम लो कर देंगे 3-4 मिनट के लिए। तो चलिए 3-4 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत खूब, बस एकदम लग रहा है कि मच्छी का सालन। अब गैस कर देंगे बंद और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग आज हमने बनाए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से अरबी पत्ते की रिकॉर्ड, वो भी दो तरीके से, एक फ्राई किया हुआ और एक ग्रेवी वाला। तो आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।